गोइंग टू स्टार्ट विद स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकाई भी हमारे पास ग्राम पॉजिटिव कोकाई के अंदर आते हैं। ग्राम पॉजिटिव कोकाई के अंदर हमने सबसे पहला टेस्ट क्या किया था, कैटालेज। कैटालेज टेस्ट जो देते हैं वो स्टिफ्लो हैं, स्टिफ्लो हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद कैटालेज टेस्ट जो नहीं देंगे वो आ जाएंगे स्ट्रेप्टो में। अब स्ट्रेप्टोकोकाई को मजीद आगे क्लासीफाई करने के लिए हम इन्हें ब्लड अगर पे जब ग्रो कराएंगे तो इनकी क्लोनीज में हिमोलिसिस नजर आएगी। या तो कंप्लीट वो बीटा हिमोलिटिक हो जाएंगे, या फिर इनकम्प्लीट वो अल्फा हिमोलिटिक हो जाएंगे, या फिर नॉन हिमोलिटिक वो गैमा हिमोलिटिक हो जाएंगे। इसके अंदर डिफरेंट आते हैं स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स, ए गैलेक्टिशी, नमूने आई, म्यूटेंस, इंटरमीडियंस, फिकैलस और बोविस। सारे जो स्ट्रेप्टोकोकस मेडिकली इंपॉर्टेंट हैं वो हमारे पास दिए गए हैं इस टेबल के अंदर, लाइक स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स, ए गैलेक्टिशी, फिकैलस, बोविस, नमूनिया, विरिडेंस। इनमें एक लैंसफील्ड ग्रुपिंग की बेस पर भी टाइप्स बनती हैं। ए, बी और डी इंपॉर्टेंट है। ए ग्रुप पायोजीन्स, बी ग्रुप ए गैलेक्टिशी और डी ग्रुप फिकैलस और बोविस। हिमोलिसिस की बेस पे हमारे पास पायोजेंस, ए गैलेक्टिशी जो है ये हमारे पास आ जाते हैं बीटा हिमोलिटिक में। फिकैलस जो है वो अल्फा और बीटा दोनों भी कुछ भी हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, नन भी हो सकता है। बोविस अल्फा हो सकता है या नन हो सकता है। निमोनिया और विरिडेंस जो है वो अल्फा हिमोलिटिक है। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस और ए गैलेक्टिशी, अब ये दोनों बीटा हिमोलिटिक हैं तो इन दोनों को आपस में सेपरेशन कैसे करनी है, बेसिट्राइसिन चिप से। बेसिट्राइसिन चिप लगाएंगे तो बेसिट्राइसिन सेंसिटिव पायोजेंस आ जाएगा और रेजिस्टेंट आ जाएगा हमारे पास ए गैलेक्टिशी। फिकैलस और बोविस को हम ग्रोथ इन 6.5% NaCl के अंदर से सेपरेट करेंगे। NaCl के अंदर ग्रो करेंगे फिकैलस वाले और नहीं जो ग्रो करेंगे वो आएंगे बोविस वाले। और अल्फा दो आ गए हमारे पास नमूनिया और विरिडेंस, इन दोनों को हम कैसे सेपरेट करेंगे, ऑप्टोचिन डिस्क से। ऑप्टोचिन सेंसिटिव जो है वो हमारे पास आ जाएंगे नमूनिया और दूसरे विरिडेंस आ जाएंगे जो कि रेजिस्टेंट होंगे। स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया इनहिबिटेड बाय द ऑप्टोचिन, यानी कि ऑप्टोचिन रेजिस्टेंट ऑप्टोचिन सेंसिटिव होंगे और नॉट इनहिबिटेड बाय ऑप्टोचिन कौन से, विरिडेंस जो कि ऑप्टोचिन रेजिस्टेंट होंगे। स्ट्रेप्टोकोकस की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो ये स्फेरिकल होते हैं, ग्राम पॉजिटिव होते हैं कोकाय, और ये कैटालेज नेगेटिव हैं। कैटालेज टेस्ट इनका नेगेटिव आएगा। इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक क्या है स्ट्रेप्टोकोकस की आइडेंटिफिकेशन के लिए, अल्फा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाय होते हैं जो कि ग्रीन जोन देते हैं अराउंड देयर कॉलोनीज। उसमें हमारे पास इनकम्प्लीट हिमोलिसिस होती है ब्लड की। ग्रीन कलर हमारे पास कैसे बनता है, जब H2O2 जो है वो ऑक्सीडाइज करती है हीमोग्लोबिन को तो वो ग्रीन कलर की बिली वर्डिंग बना देती है। बीटा हिमोलिटिक हो सकते हैं। बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई जो है वो क्लियर जोन देंगे अराउंड देयर कॉलोनीज, इसमें कंप्लीट लिसिस हो जाएगी। आरबीसी की बीटा हिमोलिसिस कैसे होती है, हिमोलाइसिन एंजाइम जो कि स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ भी उसको कहते हैं, स्ट्रेप्टोलाइसिन एस, ये हमारे पास प्रोड्यूस करते हैं ये वाले बैक्टीरिया जो कि बीटा हिमोलिसिस कॉज करते हैं। कुछ जो है वो नॉन हिमोलिटिक होते हैं या गैमा हिमोलिसिस होते हैं, यानी कि इस बेसिस पे हम इनको कर देंगे सेपरेट जैसे कि हमने पहले पढ़ लिया। दो इंपॉर्टेंट एंटीजन जो है वो बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई प्रोड्यूस करते हैं, वो एंटीजन कौन से हैं, सी कार्बोहाइड्रेट। सी कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे पास बीटा हिमोलिटिक ग्रुप के अंदर प्रोड्यूस होता है स्ट्रेप्टोकोकाई के अंदर, और ये हमारे पास स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिसिटी इज डिटरमिन्ड बाय अमाइनो शुगर। सेल वॉल के अंदर लोकेटेड होता है। ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक यानी कि स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस जो होता है उसको डिस्टिंग्विश किया जाता है ग्रुप बी बीटा हिमोलिटिक यानी कि स्ट्रेप्टोकोकस ए गैलेक्टिशी को सी कार्बोहाइड्रेट के डिफरेंस की बेस पे। इसके अलावा हमारे पास होती है एम प्रोटीन। एम प्रोटीन जो है वो विरुलेंस फैक्टर है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन के अंदर प्रेजेंट होता है। ये जो है आउटर सरफेस ऑफ सेल के ऊपर से प्रोट्रूड कर रही होती है और फेगोसाइटोसिस को ब्लॉक करती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है वो एंटी फेगोसाइटिक एक्टिविटी रखता है, इसको फेगोसाइटोसिस नहीं हो सकती इसकी। C3b जो कि हमारे पास ऑप्शनाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया के अंदर रोल प्ले करती है उसको ये इनएक्टिवेट कर देता है एम प्रोटीन, जिसकी वजह से स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन जो है वो हमारे पास फेगोसाइटोसिस को रेजिस्ट करते हैं। अगर एम प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं होगी तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन जो है वो नॉन पैथोजेनिक होंगे। एम प्रोटीन जो है वो हमारे पास डिटरमिन करते हैं ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक यानी कि स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन को, उसकी टाइप को भी डिटरमिन करती है। एम प्रोटीन की बेस पे हमारे पास 100 तरह की सीरो टाइप्स बन जाती हैं और स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन जो है वो मल्टीपल इन्फेक्शन वगैरह कॉज करा सकता है एम प्रोटीन की वजह से। कुछ स्ट्रेन्स होती हैं स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन की जो एम प्रोटीन की टाइप्स इस तरह की प्रोड्यूस कराती हैं जो कि रूमेटोजेनिक होती हैं। रूमेटोजेनिक मतलब रूमेटिक फीवर। रूमेटिक फीवर का मतलब गर्दन तोड़ बुखार, उसमें सर में दर्द होगी, गर्दन में दर्द होगी शदीद वाली। और कुछ स्ट्रेन स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन की जो है वो अदर एम प्रोटीन प्रोड्यूस करती हैं जो कि नेफ्रीटोजेनिक होती है। नेफ्रीटोजेनिक का मतलब वो किडनीज को नुकसान पहुंचाएंगी और एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वगैरह कॉज कराएंगी। एम प्रोटीन जो है वो एंटी फेगोसाइटोसिस इसका मेन फंक्शन है और ऑर्गेनिज्म के ऊपर स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन जो है इसके ऊपर पॉलीसेकेराइड कैप्सूल भी होते हैं जो कि हमारे पास मजीद इसकी फेगोसाइटोसिस को रिटार्ड कर देता है। क्लासिफिकेशन स्ट्रेप्टोकोकाई की कैसे करते हैं, बीटा हिमोलिटिक। बीटा हिमोलिटिक जो है वो हमारे पास ए से लेकर यू तक लैंसफील्ड ग्रुपिंग के ऊपर इनके ग्रुप बनते हैं। ये हमारे पास सी कार्बोहाइड्रेट की बेस पे इनको डिफरेंसेस करते हैं। लेकिन हमारे पास दो ग्रुप्स इंपॉर्टेंट है, तीन ग्रुप्स ए बी और डी। ग्रुप ए के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस आता है, ग्रुप बी के अंदर हमारे पास ए गैलेक्टिशी और डी के अंदर हमारे पास एंटेरोकोकाई, फिकैलस और बोविस वगैरह आते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस की अगर हम बात करें तो ये फ्रेंजाइटिस, कॉमन कोल्ड,
स्किन इन्फेक्शन वगैरह कॉज करता है ड्यू टू लिपोटिकोइक एसिड और एम प्रोटीन। इसके अलावा हेलियोरोनिक एसिड का कैप्सूल होता है जो कि इसको एंटीफेगोसाइटोटिक बना देता है। ये हमारे पास इसकी ग्रोथ जो है वो बेसिट्रेसिन से इनहिबिट होती है क्योंकि बेसिट्रेसिन सेंसिटिव है। स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई यानी कि ए गैलेक्टेशी जो है वो जेनिटल ट्रैक के अंदर अंदर कॉलोनाइज करता है। न्यूनेटल मेनिनजाइटिस वगैरह कॉज कराता है। न्यूनेटल मेनिनजाइटिस और सेप्सिस कब कॉज करेगा? जब यूरिनरी ट्रैक्स के अंदर से जेनिटल ट्रैक्स के अंदर से बेबी पास करेगा ड्यूरिंग बर्थ। ये बेसिट्रेसिन रेजिस्टेंट होता है। दे हाइड्रोलाइज द हिप्यूरेट यानी कि हिप्यूरेट जो आइन होता है उस यही इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है। ग्रुप डी जो स्ट्रेप्टोकोकाई है इसके अंदर एंटेरोकोकाई यानी कि एंटेरोकोकस पोकैलिस और एंटेरोकोकस पीकियम और नॉन एंटेरोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस बोविस इन्वॉल्व होते हैं। ये जो बैक्टीरियाज हैं एंटेरोकोकाई ये नॉर्मल फ्लोरा हैं यूरिनरी बिलरी और नॉर्मल फ्लोरा है कोलोन का। और अगर ये हमारे पास अपनी जगह से डिस्प्लेस होंगे तो ये यूरिनरी बिलरी और कार्डियोवैस्कुलर इन्फेक्शन कॉज कराएंगे और ये बाइल वगैरह के अंदर ग्रो कर सकते हैं। अब इन तीन ग्रुप्स को देख लें। ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन है, बी ए गैलेक्टेशी है, डी जो है वो हमारे पास एंटेरोकोकस फिकैलिस फीकियम और स्ट्रेप्टोकोकस बोविस है। ग्रुप ए फ्रेंजाइटस स्किन इन्फेक्शन कॉज कराता है, बेसिट्रेसिन सेंसिटिव है, हाइलुरोनिक एसिड का कैप्सूल होता है, पिलाए जो है वो एम प्रोटीन और लिपोटिकोइक एसिड से बना होता है। ग्रुप बी बेसिट्रेसिन रेजिस्टेंट है, न्यूनाइटल मेनिनजाइटिस और सेप्सिस कॉज कराता है, हाइड्रोलाइज करता है हिप्यूरेट को। ग्रुप डी जो है वो नॉर्मल फ्लोरा है कोलोन का, सीवीएस बिलरी और यूटीआई वगैरह कॉज कराता है। और एंटेरोकोकाई जो है ये बाइल के अंदर ग्रो करते हैं, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट होते हैं, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट लाइक वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटेरोकोकाई वीआरई होते हैं। और नॉन एंटेरोकोकाई स्ट्रेप्टोकोकस बोविस जो है एंडोकार्डाइटिस कॉज कराता है, बाइल के अंदर ग्रो करता है, पेनिसिलिन सेंसिटिव होता है। ये हमारे पास बीटा हिमोलिसिस प्रेजेंट है क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट क्लियर जोन नजर आ रहा है। ये हमारे पास अल्फा हिमोलिसिस है जिसके अंदर ग्रीन कलर नजर आ रहा है। इसके बाद हमारे पास आते हैं नॉन बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई जिसके अंदर हमारे पास अल्फा हिमोलिसिस वाले आ जाते हैं, न्यूमोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया और स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस। ये दोनों जो है ये ऑप्टोजिन डिस्क की वजह से सेपरेट किया जा सकते हैं। ऑप्टोजिन सेंसिटिव न्यूमोकोकस होता है और ऑप्टोजिन रेजिस्टेंट जो है वो विरिडेंस होता है। और न्यूमोकोकस जो है वो बाइल के अंदर सॉल्युबल होता है और बाइल इनसॉल्युबल होता है विरिडेंस। न्यूमोकोकस नॉर्मली हमारे पास कोलोनाइज करता है ओरोफेरिंक्स को और ये नमोनिया मेनिनजाइटिस ओटाइटिस मीडिया कॉज करता है कान की इन्फेक्शन। और जो हमारे पास विरिडेंस है ये नॉर्मल फ्लोरा है ओरोफेरिंक्स का, एंडोकार्डाइटिस कॉज कर सकता है। इसके अलावा हमारे पास पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस होते हैं जो कि एनारोबिक या माइक्रो एरोफिलिक कंडीशन के अंदर ग्रो करते हैं, वेरिएबल हिमोलिसिस करते हैं। ये नॉर्मल फ्लोरा गट माउथ और फीमेल जेनिटल ट्रैक का बनाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं एनारोबिक इनमिक्स प्रेसिपिटेट करते हैं पार्टिसिपेट करते हैं इनमिक्स एनारोबिक इन्फेक्शन के अंदर। एनारोबिक इन्फेक्शन जो है वो मल्टीपल बैक्टीरिया की वजह से कॉज हो सकती है जिसके अंदर फैकल्टेटिव और एनारोब पार्टिसिपेट करते हैं। पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकाई और विरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई जो है ये ओरल फ्लोरा का नॉर्मल मेंबर होते हैं और ब्रेन एब्सेसिस के अंदर डेंटल सर्जरी की वजह से जो ब्रेन एब्सेसिस होते हैं उनके अंदर ये हमारे पास ऑफनली फाउंड होंगे। और पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस मैग्नस पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस एनारोबियस आदर स्पीशीज जो कि नॉर्मली हमारे पास आइसोलेटेड होते हैं क्लिनिकल स्पेसिमेंस में से। पैथोजेनेसिस बाय द स्ट्रेप्टोकोकाई की अगर हम बात करें तो पैथोजेनेसिस ये कैसे कॉज करते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन जो है ये हमारे पास पस प्रोड्यूसिंग है। इसके अलावा पस जो है वो लोकली भी हो सकती है, डिसेमिनेटेड भी हो सकती है। इसके अलावा टॉक्सिन यानी कि टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा। इम्यूनिटी मीडिएटेड पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल नॉन सेपरेटिव है। इसके अंदर डिजीज क्या आएंगे? हेपेटिको सेलुलाइटिस फ्रेंजाइटिस सेप्सिस स्कारलेट फीवर टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम रेमेटिक फीवर और एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ए गैलेक्टिशी और ये बाकी सारे जो हैं ये सारे के सारे पायोजेनिक हैं। ए गैलेक्टिशी न्यूनेटल सेप्सिस और मेनिनजाइटिस कॉज करेगा, फिकैलिस जो है वो यूटीआई एंडोकार्डाइटिस कॉज करेगा, बोविस एंडोकार्डाइटिस नमूनिया कॉज करेगा, ओटाइटिस मीडिया वगैरह कॉज करेगा, विरिडेंस जो है वो एंडोकार्डाइटिस कॉज करेगा, विरिडेंस बोविस जो है वो एंडोकार्डाइटिस कॉज करेंगे, नमूनिया कॉज करेगा और मेनिनजाइटिस कॉज करेगा। अल्फा हिमोलिसिस वाले नमूनिया और विरिडेंस ये दोनों ओरोफेरिंक्स में हैं, फिकैलिस बोविस वगैरह जो है ये कोलोन में हैं। और पायोजिन जो है ये स्किन थ्रॉट ब्लड स्ट्रीम वगैरह के अंदर प्रेजेंट होता है, किडनी हार्ट जॉइंट्स वगैरह के अंदर। और एक गैलेक्टिशिया जो है वो वजाइना के अंदर प्रेजेंट होता है। ट्रांसमिशन की बात करें तो ये हमारे पास नॉर्मल फ्लोरा जो है वो थ्रॉट स्किन इंटेस्टाइन वगैरह के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये टिश्यूज और ब्लड के अंदर भी जा सकते हैं। विरिडेन और नमूनिया जो है ये ओरोफेरिंक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, पायोजिन स्किन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं ओरोफेरिंक्स में, एक गैलेक्टिशिया वजाइना और कोलोन में, एंटेरोकोकाई वगैरह कोलोन में। ये स्किन को भी और ब्लड वगैरह को ट्रांसफर हो सकते हैं। पैथोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो पैथोजेनेसिस के लिए सबसे पहले एक पायोजेनिक इन्फ्लेमेशन यानी कि पस वाली इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। दूसरा ये कि एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, एक्सोटॉक्सिन वगैरह जो है ये सिस्टेमिक सिम्टम्स प्रोड्यूस कराते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास इम्यूनोलॉजिक होते हैं, ऑटोइम्यून और एंटीबॉडीज वगैरह बनाते हैं जो कि क्रॉस रिएक्ट करती हैं नॉर्मल टिश्यूज के साथ और डैमेज करती हैं नॉर्मल टिश्यूज को। इसके अलावा हमारे पास इनके पास होता है हाई यूरोनिडेज
हाइलुरोनिडेज जो है वो एक्ट कराता है, हाइलुरोनिडेज जो है वो डिग्रेड कराता है हाइलुरोनिक एसिड को, और ये इसका स्प्रेडिंग फैक्टर कॉज करता है, मतलब इसकी वजह से स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन का जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड होता है सेलुलाइटिस के केस के अंदर। इसके अलावा स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस होता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है वो हमारे पास फाइब्रिनोलाइसिन होता है, फाइब्रिनोलाइसिन जो है वो हमारे पास प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट कराता है और ब्लड क्लॉट को डिजोल्व कराता है। तो डिजोल्व फाइब्रिन को डिजोल्व कराएगा, क्लॉट थ्रोम्बाई और एम्बोलाई वगैरह को डिजोल्व कराएगा और उनकी एम्बोलिसिस कराएगा कॉरोनरी आर्टरी ऑफ हार्ट अटैक पेशेंट के अंदर। इसको यूज़ किया जा सकता है स्ट्रेप्टोकाइनेज को, ताकि हमारे पास जो उनके अंदर थ्रोम्बाई बना हुआ है उसको लाइज किया जा सके, तोड़ा जा सके। तो ये इसका क्लिनिकल अच्छा यूज़ है, इसके अंदर स्ट्रेप्टोकाइनेज बन रहा है। इसके अलावा हमारे पास डीएनएज है, डीएनएज जो है वो डीएनए को डिग्रेड कराएगा और एक्जुडेट और नेक्रोटिक टिश्यू प्रोड्यूस कराएगा, एक्जुडेट या नेक्रोटिक टिश्यू के अंदर डीएनए को डिग्रेड कराएगा। एंटीबॉडी टू डीएनएज बी जो है वो डिवेलप करा देती है पायोडर्मा, पायोडर्मा जो है वो हमारे पास डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा हमारे पास IgG होती है, IgG डिग्रेडिंग एंजाइम प्रोटीएज प्रेजेंट होता है जो कि इम्यूनोग्लोबुलिन जी की हैवी चेन्स को क्लीव करेगा, ऑप्शनाइजेशन को प्रिवेंट करेगा, जिसकी वजह से इसकी विरुलेंस बढ़ जाएगी। इसके अलावा हमारे पास रिथ्रोजेनिक टॉक्सिन प्रोड्यूस पड़ा हुआ होता है, रिथ्रोजेनिक टॉक्सिन जो है वो रैश ऑफ स्कारलेट फीवर कॉज कराता है। इसका मैकेनिज्म क्या है, ये सुपर एंटीजन के तौर पर एक्ट करता है, जैसे स्टेफलोकोकस ऑरियस का कर रहा था, और इसके अंदर हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन जो है वो लाइसोजेनाइज्ड बाय द बैक्टीरियोफेज कैरिंग द एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन, डिक्स टेस्ट गिव द पॉजिटिव रिजल्ट इन द पर्सन लैकिंग एंटीटॉक्सिन। जिन लोगों के अंदर हमारे पास एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन प्रेजेंट होते हैं स्कारलेट फीवर वाले पेशेंट, इनके अंदर पॉजिटिव डिक्स टेस्ट आता है। इसके अलावा हमारे पास है स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ, स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ जो है वो हीमोलाइसिन है जो कि इनएक्टिवेट हो जाता है बाय ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन की वजह से इसको इनएक्टिवेट कर दिया जाता है, बीटा हीमोलिसिस कॉज कराता है अंडर ऑन द ब्लड एगर, और एंटी सीरम एंटी जेनिक और एंटीबॉडी ओ ASO डेवलप कराता है ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल यानी कि स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स के अंदर, जिसके अंदर ये रोमैटिक फीवर के अंदर ये डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ जो है वो यूटिलाइज होता है। रोमैटिक फीवर के अंदर अगर हमने डायग्नोसिस करना है तो हम ब्लड के अंदर लेवल किसका चेक करेंगे, ASO यानी कि स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ का चेक करेंगे। इसके अलावा हमारे पास स्ट्रेप्टोलाइसिन एस है, स्ट्रेप्टोलाइसिन एस जो है वो भी हीमोलाइसिन है जो कि इनएक्टिवेट नहीं होता ऑक्सीजनेशन से, ऑक्सीजन से, ये हमारे पास एंटीजेनिक नहीं है तो बीटा हिमोलिसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बीटा हिमोलिसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है लेकिन ये हमारे पास एंटीजेनिक नहीं है। इसके अलावा हमारे पास पायरोजेनिक टॉक्सिन, पायरोजेनिक एक्सोटॉक्सिन ए होता है, एक्सोटॉक्सिन ए जो है ये स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, जैसे हमारे पास टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन स्टेफलोकोकस के अंदर काम कर रहा था, वैसे ये लार्ज अमाउंट में साइटोकाइन्स इंटरल्यूकिन 1-2 टी सेल्स मैक्रोफेजेस वगैरह रिलीज कराएगा और टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कॉज कराएगा। इसके अलावा एक्सोटॉक्सिन बी होता है, एक्सोटॉक्सिन बी जो है वो प्रोटीएज यानी कि प्रोटीन्स को तोड़ता है, फ्लैश ईटिंग स्ट्रेप्टोकोकाई है जिसकी वजह से नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस कॉज हो सकता है, ऐसा लगता है जैसे बैक्टीरिया ने गोश्त खा लिया हो। ये कौन सा बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन्स। पैथोजेंस ऑफ ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई की अगर हम बात करें, कौन कौन से इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है वो प्रोड्यूस करता है हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन्स, हाइलुरोनिडेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज, डीएनएज, टॉक्सिन कौन कौन से प्रोड्यूस करता है या हीमोलाइसिन, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ, स्ट्रेप्टोलाइसिन एस एंड एक्सोटॉक्सिन बी, एक्सोटॉक्सिन ए, रिथ्रोजेनिक टॉक्सिन जो कि टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन की तरह एक्ट कर रहा था, ग्रुप बी यानी कि ए गैलेक्टेशिया है जो है वो हमारे पास इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिर्फ देता है और इसके कोई साइटोटॉक्सिक एंजाइम्स वगैरह नहीं होते। ग्रुप बी में पॉलीस्क्राइड कैप्सूल होता है जो कि इसको एंटीफेगोसाइटिक बना देता है, और हमारे पास पैथोजेनेसिस स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया है और विडिडेन ग्रुप की अनसर्टेन है, इसके अंदर भी कोई एक्सोटॉक्सिन वगैरह प्रोड्यूस नहीं होते।